जन जन की आवाज़ आप तक पहुंचाने के लिए जैन भारत की टीम रांची के राजभवन के समीप पहुंची है, जहां पर आज सोकरा ग्रेफाइट माइंस मजदूरों द्वारा एक धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, जहां पर इन्हें नियुक्ति भी नहीं मिल रही है और इन्हें बकाया राशि भी नहीं दिया गया है। आइए जानते हैं कि इनकी क्या कुछ मांगे हैं। आपकी क्या मांगे हैं? हमारा मांगे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया है कि इन मजदूरों को बैक वेजेज के साथ इनको नियुक्त किया जाए, तो हमको सबसे पहले ये कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट जो आदेश दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट जो आदेश दिया उसको मान्यता माने सरकार करे और इन मजदूरों को नियुक्ति करे और बकाया मजदूरी का भुगतान करे। अगला कदम क्या उठाएंगे? अगला कदम में हम लोग का ये है कि अभी हम लोग धरना पर हैं और 28 तारीख से जो है हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। कितने दिन तक धरना पर बैठना है? अभी हम लोग तो अभी 10 तारीख से बैठे हुए हैं, वहाँ थे आपके कोटे मैदान विधानसभा के समीप थे हम लोग, और अभी हम लोग 26 तारीख के हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और हम लोग लगता है कि जब तक कि हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग धरना को जारी रखेंगे। जो भी कर्म करना होगा, जब तक कि हम लोग को अब ठगे नहीं जाएंगे, अब ठगाएंगे नहीं। अभी आश्वासन भी दिया गया, लिखित भी आश्वासन दिया गया, मौखिक भी कहा गया, लेकिन अब हम लोग मानने वाले नहीं हैं। जब तक कि हम लोग को नियुक्त नहीं कर लिया जाता है और जब तक कि पैसा पेमेंट नहीं करता है, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। बहुत से मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी से लेकर के जितने भी मुख्यमंत्री हुए, सबसे हम लोग ने यह फरियाद को रखा, अब सबको आश्वासन ही दिया। यहाँ तक कि 2019 में ये हेमंत जी हम लोग के आंदोलन में यहाँ पर आए हुए थे इसी जगह, अब आ करके कहे कि मरना नहीं है, मारना है और सरकार अपनी सरकार बनाना है, जैसे ही हमारा सरकार बनेगा आप याद करा देंगे तो हम आपको जो है तुरंत आपके काम को पूरा कर देंगे। लेकिन सरकार बनते ही हम लोग ने याद नहीं, बल्कि हम लोग धरना प्रदर्शन हम लोग बराबर करते आ रहे हैं, लेकिन इनको कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। यहाँ तक कि हम लोग मिले भी हैं तब उस समय भी हम लोग को जो है बोले कि अब मंत्रिमंडल गठन हो रहा है, गठन होने के बाद हम आपका काम को पूरा करेंगे। तो क्या अब आपको ऐसा लगता है कि आपने इतने लंबे समय से धरना दिया, अभी भी आप धरना दे रहे हैं, भूख हड़ताल भी करेंगे, तो इसके बाद भी आपको नियुक्ति मिल जाएगी? नियुक्ति मिलेगा। अगर नहीं नियुक्ति मिलेगा तो ये लोग आश्वासन क्यों देता है? नहीं पैसा भुगतान करना है तो लोग आश्वासन क्यों देता है? सीधा सीधे लोगों को कहना चाहिए कि हमारा राज्य के आप नहीं हैं, या जो कोर्ट फैसला दिया है गलत दिया है, ये है वो है, कह करके हटाना ना चाहिए कम से कम। मेरा नाम सुदेश्वर सिंह है, मैं झारखंड खाद्य मजदूर सभा के महामंत्री हूँ। तो आपने सुना कि इनकी जो बकाया राशि है 1,27,00,000 रुपये, इन्हें अभी तक मिली नहीं है और ना ही नियुक्ति मिला है, सिर्फ इन्हें आश्वासन दिया जाता है। जैन भारत के लिए रांची से वीडियो जर्नलिस्ट सोनू पांडे के साथ मैं राशिका बजाज। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।